इसको देखिए, ये हमको बोलता है हेलो गाइज, ये गलत है, देख ये चूतिए को देख। हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग? आज के एक और नए ब्लॉग्स में आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला है। यहाँ हम अपने गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय, जिसके अंदर में FET फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ BTech के, वहाँ का थोड़ा सा ये सारा कॉलेज का आपको रिव्यू दिखाते हैं, कॉलेज कैसा है मेरा और यहाँ पे मतलब प्लेसमेंट कैसा है यहाँ का, और सारा कुछ क्लासेस वगैरह कैसे हैं और फैसिलिटीज़ क्या क्या देते हैं, सारा दिखाता हूँ इस ब्लॉग्स में, आप बने रहें। देखिए, ये सबसे पहले ये हमारा गेट हुआ, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग वाला गेट है, ये गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय का है। और यहाँ पे बगल में हाईवे है, पीछे में हाईवे है, और साइड में बहुत सारे यहाँ पे बच्चे आके इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं। और बगल में यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मंदिर है जो कि कॉलेज के द्वारा बनाया गया है। ये पुराने कल्चर को प्रमोट करता है हमारा जो विश्वविद्यालय है, क्या फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय का गेट। और यहाँ पे बगल में मंदिर है बहुत अच्छा बना हुआ, और ये पुराने कल्चर को प्रमोट करता है इसलिए। तो चलिए जाते हैं गुरुकुल के अंदर और फिर आपको दिखाते हैं, यहाँ पे गार्ड वार्ड बैठे रहते हैं और हमारा गुरुकुल बहुत ही शानदार है, दिखाते हैं आपको। ये ब्लॉग्स में बने रहें आप। तो गाइस, जैसे ही आप लोग एंटर कीजिएगा, यहाँ पे सिटी का वो कंट्रोलर रूम है, और इसके बगल में ये स्टाफ वगैरह के रहने के लिए हैं। और देखिए, यहाँ पे इंजीनियरिंग फैकल्टी का बैनर लगा हुआ है। और तो जैसे ही आप इसके अंदर जाइएगा, सबसे पहले आपको ये भव्य मंदिर दिखेगा जो कि पुराने कल्चर को दिखाता है कि ये गुरुकुल किस चीज़ पर निर्धारित है। यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद जी का बहुत ही अच्छा मतलब ये प्रकोप रहा है। तो ये हमारा जो गुरुकुल कंगड़ी है, यहाँ पे भगवान शिव का बहुत ही भव्य मंदिर अभी बन रहा है, पूरा बना नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए, ये आपको वॉलीबॉल कोर्ट हो गया, आगे चलिए आपको दिखाते हैं। और ये हमारा रहा मेन बिल्डिंग जिसमें पढ़ाई वगैरह होती है। ऐसा कि आप लोगों को यहाँ पे बता दिए, यहाँ पे बहुत भव्य मंदिर भगवान शिव का बना हुआ है और बन रहा है, अभी पूरा बना भी नहीं है, बहुत ही विशाल मंदिर बन रहा है, देख सकते हैं। और जैसे ही आगे जाते हैं तो यहाँ पे छोटा आपको दिखाते हैं, देखिए एक फूल वगैरह कितने अच्छे अच्छे लगे हुए हैं यहाँ पे, देखिए साइड वगैरह में फूल वूल लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए छोटा ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर देखिए ये है, बहुत ही यहाँ पे मतलब मज़ा आ रहा है अभी फ़िलहाल। यहाँ का प्लेसमेंट के बारे में बताएं तो कुछ खास प्लेसमेंट नहीं होता है, लेकिन अच्छा प्लेसमेंट रहता है। तो गाइज, ये देखिए, जैसे ही इसके साइड में आप पीछे में मंदिर देख रहे होंगे, और जस्ट इधर हमारा गार्डन है जहाँ पे आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं, साथ साथ में यहीं पे पार्किंग एरिया है जहाँ पे हम लोग बाइक वगैरह लगाते हैं, और इसके साथ साथ में इधर बैठने वगैरह वे जगह है, सब स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं जा जाके, और बहुत ही शानदार लगता है। यहाँ पे पीछे में हॉस्टल है, वो जो दिख रहा है वो हॉस्टल है। तो यहाँ पे रैगिंग वगैरह कुछ तो होता नहीं है, लेकिन थोड़ा मोरा कल क्या हुआ, सीनियर लोग हम लोगों को आके थोड़ा बोले सिस्टम में रहो और थोड़ा ड्रेस व्रेस मतलब मेंटेन करके आया करो। तो हम लोग सब अभी ड्रेस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आने के बाद तो खुद सीनियर हो जाता है, लेकिन फिर भी उन लोगों का रिस्पेक्ट तो थोड़ा बहुत करना ही चाहिए हम लोगों को। बताओ तुम, इस कॉलेज में आने के बाद कैसा लगा? हाँ, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। यहाँ का मतलब इन्वायरमेंट कैसा है? मस्त है एकदम, पुराने कल्चर के जैसा ना? या, अरे भाई क्या बताएं, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जितनी थी ना उतनी तो नहीं है, लगभग इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ का थोड़ा ये है ना कि मतलब ये ओनली बॉयज़ के लिए ये फैकल्टी, गर्ल्स का अलग कॉलेज है जहाँ पे गर्ल्स के लिए मतलब पढ़ाई होता है गर्ल्स का, और बॉयज़ के लिए स्पेशली यहाँ पे मतलब ये फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है। समथिंग आई हैव टू टेल यू, सीनियर्स आर वेरी सपोर्टिव इन दिस कॉलेज। हाँ, सीनियर सपोर्टिव है, और आप आगे अगर प्लेसमेंट वगैरह के लिए देखते हैं तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन लोग बहुत एक्सपीरियंस यहाँ से ले चुके हैं, में जहाँ पे आप बैठ सकते हैं आके और पढ़ाई भी कर सकते हैं। काफ़ी साफ सफाई से यहाँ का गार्डन रहता है, बच्चे के लिए सारा सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है हमारे कॉलेज में। ये देखो गाइस, ये हुआ यहाँ का फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग जिसके अंदर में पढ़ाई वगैरह होती है, और इसके अंदर जाके हम अपना क्लास भी दिखाएंगे आपको अभी थोड़ी देर में। हमारी क्लास होती है अंदर में, और आगे चल के आपको दिखाते हैं यहाँ के कुछ अच्छे अच्छे चीज़। देखिए यहाँ पे थार लगा हुआ है, यहाँ के टीचर सब बहुत, प्रोफेसर सब बहुत पैसे वाले हैं। गाइस यहाँ पे देखिए, सभी लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं खुले एरिया में, ये जबकि है वॉलीबॉल का कोर्ट, लेकिन खेला जा रहा है यहाँ पे बैडमिंटन। मैकेनिकल लैब है ये देखिए, मैकेनिकल लैब है हमारा, यहाँ पे खेलते हैं सभी लोग, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं GPL के लिए क्रिकेट, क्योंकि मेन ग्राउंड में अभी मैच हो रहा है। चलते हैं अभी मैकेनिकल लैब दिखाते हैं आप लोगों को। गाइस ये रहा हमारा मैकेनिकल लैब, यहाँ पे मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि सारा एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है यहाँ पे। हमारे टीचर्स वगैरह हैं वहाँ पे, देख सकते हैं आप, टीचर्स वगैरह हैं खड़े,
तो ज़्यादा छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं, अभी आगे चलते हैं। और फिर यहाँ देखिए प्रधानमंत्री योजना से भी बहुत कुछ होता है, ये मैकेनिकल ब्रांच का डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे देखिए एक और कोर्ट लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे पता नहीं वॉलीबॉल या शायद बैडमिंटन खेलने वाला है जगह। तो चलिए दिखाते हैं अभी जहाँ पे GPL हो रहा है। देखो भाई लोग, अभी यहाँ पे GPL हो रहा है हम लोगों का, बहुत ही मस्त सा टूर्नामेंट होता है हम लोगों का, 2 तारीख को है। और अभी सीनियर फोर्थ ईयर वाले का मैच हो रहा है, देखते हैं ये मैच कौन जीतता है। देखिए कितना बड़ा एकदम स्टेडियम बना हुआ है, बहुत से स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं। और साथ साथ में यहाँ का पीछे वाला व्यू देखिए, उधर स्पोर्ट्स रूम है, हो गया केमिस्ट्री लैब, यहाँ पे बहुत सारे केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट वगैरह होते रहता है। और यहाँ पे हमेशा बहुत से स्टूडेंट आगे जाते हैं केमिस्ट्री लैब से। और यहाँ पे देखिए बहुत मस्त साफ़ सफाई रहता है। ये हो गया नोटिस बोर्ड हमारा, कुछ भी नोटिस आता है तो यहीं पे आता है, यहाँ से नोटिस वगैरह पढ़ सकते हैं आप। ये पीछे हमारे छात्रावास है, वहाँ पे देखिए स्टेडियम के पीछे ये दिख रहा होगा अब, ये हमारा छात्रावास है। और छात्रावास में भी बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, हमारे कॉलेज का जिम एरिया जहाँ पे सब कोई जिम करते हैं, फिटनेस पे काम करते हैं यहाँ पे सभी कोई, कुछ कुछ लड़के अभी फिटनेस पे काम भी कर रहे हैं। साथ साथ में चलिए दिखाते हैं आपको, यहाँ पे बगल में ही स्पोर्ट्स वाला रूम है उसको दिखाते हैं और कैंटीन। तो गाइस ये रहा हमारा स्पोर्ट्स एंड गेम्स का, और नीचे कैंटीन है, ऊपर स्पोर्ट्स एंड गेम्स भी जाके दिखाते हैं आपको और कैंटीन भी दिखाते हैं। ये रहा हमारा कैंटीन एरिया जहाँ पे सब खाना वाना खाते हैं और साफ़ सफाई रखते हैं, यहाँ पे खाना मिलता है सारा, जो भी खाना खा सकते हैं आप, ऊपर हम ले जाते हैं आपको। और ये रहा सीढ़ी स्पोर्ट्स रूम का, ये मेरे पीछे है स्पोर्ट्स रूम, चलिए आपको अंदर ले जाते हैं। ये रहा हमारा स्पोर्ट्स रूम, यहाँ पे आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं। और साथ साथ में ये देखिए टेबल टेनिस के लिए, ये तो पैडिस का टेबल टेनिस का, यहाँ पर टेबल टेनिस खेल सकते हैं आप। और इंडोर गेम का भी एकदम सुविधा है, आप यहाँ देख सकते हैं इंडोर गेम के लिए सारा कुछ फिजिकल एक्टिविटी इसके अंदर होता है। और बाकी बात यहाँ पे आपको दिखाते हैं, चेस वगैरह भी खेला जाता है यहाँ पे, चेस वगैरह से बहुत आगे जाते हैं यहाँ के स्टूडेंट सब, दिखाते हैं यहाँ चेस, देखिए यहाँ पर चेस यहाँ पर हो गया आपका, आपका राजा को वो ख़त्म हो गया। और देखिए यहाँ पर बगल में है कैरम, जो कि कैरम भी यहाँ के स्टूडेंट खेल के बहुत आगे जाते हैं। और आजकल का जो नया ट्रेंड आया हुआ है BGMI, उसका भी यहाँ पे टूर्नामेंट होता है, तो टूर्नामेंट में बहुत स्टूडेंट भाग भी लेते हैं और जीतते भी हैं और बहुत आगे तक भी नेक्स्ट लेवल तक खेलते हैं। देखिए हमारे स्पोर्ट्स के कुछ हिस्ट्री वाला टाइम, जो कि बहुत सारे यहाँ पे सीनियर मुंबई कमिश्नर यहाँ के फॉर्मर जो थे वो चांसलर हैं, तो यहाँ पे देखिए आप ये बहुत सारे अवार्ड लेके आए हुए हैं। ये रहा हमारा क्लास रूम, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, सब हल्ला वल्ला करने में बिजी है, अभी प्रैक्टिस करने के लिए ये लड़का पागल हो रहा है GPL का, और ये भी पागल हो रहा है साथ साथ में। गाइज अगर हमारा ब्लॉग्स ये कॉलेज का FET का अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तब तक मिलते हैं इसके अगले पार्ट्स में, उसमें अंदर में लैब क्या क्या होता है और ढेर सारे मतलब नॉलेज आपको देंगे। और यहाँ पे आने के बाद कैसा लगा थोड़ा बताओ मनन। बढ़िया था, बढ़िया, एक्सपेक्टेशन जो था उतना है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, एक्सपेक्टेशन के अनुसार तो मतलब बहुत कमी का, मतलब जितना एक्सपेक्टेशन था उतना हो पाता है। और मतलब काफ़ी यहाँ पे पुराना कल्चर मतलब ये किया जाता है गुरुकुल की तरह, कन्या कॉलेज अलग है, बॉयज़ का अलग है, सबको तो यहीं पे दिक्कत हो जाती है, खास करके यही दिक्कत होती है ना, सब सिंगल ही रह जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।